देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की खास खबरें। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में माघ मेला लग चुका है। इस मेले की शुरुआत पंडित राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी ने की थी। यह मेला तभी से लगातार लगता चला आ रहा है। अब मेले का आयोजन नगर पालिका बांसी द्वारा किया जाता है। इस वर्ष मेले का 65वां वर्ष है। मेले की तैयारियां लगातार मेहनत करके नगर पालिका अध्यक्ष इदेश पटवारी, पूर्व अध्यक्ष चमनारा रायनी और नगर पालिका के कर्मचारियों ने की है। जो पहले रूप था माघ मेला का था, जैसे मैंने बोला भी, वो रूप तो अब नहीं रह जाएगा क्योंकि अब अगल बगल बहुत सारे माघ मेला निकलने लगे, होने लगते हैं, इसलिए अब वो बात तो नहीं रह जाती है। तो जितना इसका आकार या यहाँ की जो क्षमता के अनुसार या यहाँ के लोग, जो गांव के लोग आते हैं, उसी हिसाब से बाहर की दुकानें उसको आकलन करके अपना दुकानें लगाते हैं या अपना मनोरंजन का जो भी करते हैं। इन सबको साफ सुथरा करने के बाद एक बार हमारा दीवार बन जाएगा तो एक नया नक्शा बना के इसको हम प्रयास कर रहे हैं एक बड़ा सा अस्पताल बनाने में, एक CHC के लेवल में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के, जिसमें 30 से 50 बेड का हो। उसमें तमाम उपकरण भी रहेंगे और उसके साथ में महिला डॉक्टर भी बैठेंगे। महिला अस्पताल के लिए अगर यहाँ पर जमीन उपलब्ध होगा तभी हम देख पाएंगे, अगर जमीन मिलेगा कहीं तो उसका भी हम विचार कर लेंगे। उत्तराखंड कलेक्टर मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ ने आज से 72 घंटे का कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। प्रांतीय महामंत्री राजेंद्र सिंह रावत ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के द्वारा संघ से वार्ता उपरांत कैबिनेट में फैसला लिया गया था कि मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों को 10% नायब तहसीलदार के पदों पर पदोन्नति दी जाएगी। नवसर्जित तहसीलों में स्वीकृत कनिष्ठ सहायक ग्रेड पे 1920 स्थान पर ग्रेड पे 2000 तथा वरिष्ठ सहायक के पदों पर तथा वरिष्ठ सहायक के पदों का ग्रेड पे 2400 स्थान पर 28 को किया जाएगा। हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं, तो तीन दिन का हमारा कार्य बहिष्कार है। इसके बाद पूरे प्रदेश स्तर की हमने बैठक जो है बुलानी है और उसमें जो अग्रिम रणनीति हम लोग बनाएंगे, जिसमें जो है उस बैठक के बाद बेमियादी हड़ताल की पर भी हम लोग जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के पुलिस महकमे ने मदद की भावना से कड़ाके की सर्दी में अपने चौकीदारों और गांव के गरीब बुजुर्ग महिलाओं और पुरुष में कंबल बांटे। कंबल वितरण का यह कार्यक्रम जिले के खेसरा थाने में आयोजित किया गया। थाना प्रभारी रणधीर मिश्रा ने लोगों के सहयोग से कंबल की व्यवस्था की। जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने थाना क्षेत्र के महिला पुरुष चौकीदारों के साथ साथ क्षेत्रीय गरीब महिलाओं और पुरुषों में 400 कंबल वितरित किए। पुलिस द्वारा कोतवाली सदर और खेसरा में चौकीदारों और जो गरीब, जिनको वाकई ठंड से तकलीफ है, उनको एकत्रित करके आज यहाँ 400 लोगों को कंबल वितरण किया गया। सदर में भी 250 लोगों को किया गया था। अन्य थानेदारों को भी बताया गया है अपने रिसोर्सेज से, अपने स्रोतों से ये गरीब असहाय लोगों को कंबल वितरण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के झिंझाना में पुलिस ने बाइक गिरोह का पर्दाफाश किया है। झिंझाना पुलिस ने चोरी की 9 बाइकों के साथ तमंचे सहित एक आरोपी शहजाद को गिरफ्तार किया है। दरअसल मामला झिंझाना थाना क्षेत्र की चौकी चौसाना का है। पुलिस को मुखबिर से बाइक चोर गिरोह के छिपे होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके से चोरी की 9 बाइक बरामद की है। साथ ही मौके से एक आरोपी शहजाद को भी गिरफ्तार किया है, जबकि पुलिस को आता देख अन्य आरोपी चोर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को जेल भेज दिया है और इस गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ये एक वाहन चोर गिरोह सक्रिय है, जिसका गैंग लीडर महबूब सनोब निजामू और मलकपुर है, जो पहले भी किराना थाने में बंद हुआ है। इसके सहयोगी शहजाद, सनोब निन्ना और नूर मोहम्मद, ये हैं। ये शहजाद यहीं लोकल का नई नंगला का रहने वाला है। इन्होंने गाजियाबाद और आसपास के जनपदों और जनपद सामने से वाहन चोरी कर उनके कागज नंबर चेंज करके ये बेचते हैं। आज रात्रि में हमने इसको गिरफ्तार किया है, शहजाद को। 9 बाइकें बरामद, पुलिस मुठभेड़ हुई, इससे एक तमंचा मिला है, एक खोखा कारतूस और 2 कारतूस। मौसम का मिजाज इस समय अच्छा नहीं है। जनवरी के महीने में सूखी ठंड पड़ रही है, ना बारिश और ना बर्फ। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून विदा होने के बाद अक्टूबर से अब तक
औसत 22-10 मिलीमीटर मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली मात्र 23 मिलीमीटर, जो कि औसत से -70% कम है। और ये कृषि बागवानी के लिए चिंता की बात है। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि इस समय राज्य में तापमान भी सामान्य से ज्यादा चल रहे हैं, जहां केदारनाथ व ओली में सामान्य तापमान -4 से -6 के बीच होना चाहिए था, लेकिन वे प्लस में ही है। यही वजह है कि वहां बर्फ टिक नहीं रही। और विंटर सीजन हमारा जो है 1 जनवरी से हम लोग इसको मान के चलते हैं, और फरवरी तक ये 2 महीने हमारे जो विंटर सीजन में रहेंगे, तो उसमें अभी तक जो रेनफॉल है बिल्कुल आपने देखा कि नहीं हुई है, -100% ही चल रहा है। करीब जो है 10 तारीख तक की अगर मैं बात करूँ तो 15 मिलीमीटर एवरेज में रेन हमको मिल जानी चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिली, उसके बाद भी कुछ नहीं मिली, तो अभी और भी जो एवरेज वैल्यू बड़ी है, तो हमारा माइनस में ही -100% जिसको आप कह सकते हैं वो चल रहा है। आगे अगर बारिश की बात करते हैं तो अभी भी जो है ऐसा कोई सिस्टम नहीं दिख रहा कि 5-7 दिन आगे कि जो एक अच्छी रेन दे दे और पूरे प्रदेश में थोड़ा उसका असर हो, तो ऐसा दिख नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन कर जिला प्रशासन मुर्दाबाद और जिलाधिकारी मुर्दाबाद के नारे लगाए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया के लापता होने के मामले में ढिलाई बरतने वाले अफसरों को निलंबित करने की मांग की, और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारे नेता प्रवीण भाई तोगड़िया को खरोच भी आई तो बजरंग दल आंदोलन करेगा, और खून भी बहाना पड़ा तो हम उसके लिए तैयार हैं। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने श्रीमान महामहिम राष्ट्रपति जी को जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हमने आज ज्ञापन सौंपा है। कल की घटना है, कल विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हिंदू हृदय सम्राट माननीय श्री प्रवीण भाई तोगड़े जी का लापता हो गए। इस मामले में सरकार पूर्ण तरह से दोषी है, क्योंकि अगर कोई मुल्ला मौलवी अगर गायब हो जाता है तो विदेशों से सैटेलाइट को मंगा दिया जाता है और उनको दिखाया जाता है, और जो इस मामले में अफसरों ने जो ढिलाई बरती है उनमें तुरंत से तुरंत वे भी लोग सस्पेंड हो, निलंबित हो। हमारी मांगे, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती तो बजरंग दल सड़कों पर उतर कर, अगर हमारे नेता तोगड़िया जी को अगर खरोच भी आई तो बजरंग दल सड़कों पर उतरेगा और आंदोलन को तैयार करेगा, और हमें अपना खून बहाने की भी जरूरत पड़े तो वहां पे भी आने को तैयार हैं। लुड़की पहुंचे टीवी कलाकार कृष्णा और कश्मीरा शाम और उभरते सितारे ऋषभ चौहान का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। सभी कलाकारों ने ग्रीनवे स्कूल में जहां फिल्मी गानों पर जमकर डांस किया, वहीं कृष्णा ने सभी स्कूली छात्रों को कॉमेडी करके लोटपोट कर दिया। इतना ही नहीं, स्कूल की टीचर्स ने भी कृष्णा के साथ स्टेज पर जमकर ठुमके लगाए, जहां कृष्णा और उनकी पत्नी कश्मीरा शाह रुड़की पहुंचने पर बेहद खुश दिखाई दिए। इस मौके पर कृष्णा और कश्मीरा शाह ने लोगों को खूब हंसाया और छात्रों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। और हिंदुस्तान में वो फेमस है कि हमारे तो रुड़की सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो गंगा नदी है हमारे शहर के बीच में से जाती है, तो भैया को बहुत पसंद आई। कल मैं तो रात को चुपचाप रुड़की घुमा था, मैंने कहा आप सब आए चलो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब शायद इस मूवी के बाद हम कोशिश जरूर करेंगे। उत्तराखंड का अपना कल्चर है जो हम इसको देवभूमि बोलते हैं, पहाड़ वगैरह जो हमारी गंगा माता है उसको हम थोड़ा प्रमोट जरूर करें, कोशिश करेंगे कि अगली मूवी में इस चीज़ को थोड़ा सा ट्राई करेंगे। वैसे भी मैंने बोला कि आप प्लीज कोशिश करो, ट्राई नहीं करेंगे पक्का नहीं, लेकिन लोगों को यहाँ ट्रैवल करके आना चाहिए और यहाँ पे शूट लोगों को करना चाहिए। अभी तो ज़्यादातर फॉरेन शूटिंग्स अभी खत्म ही हो गई हैं और ज़्यादातर लोग इंडिया में अच्छी लोकेशन ढूंढते हैं, तो उत्तराखंड में तो और इतनी अच्छी जगह है, देवभूमि है, तो यहाँ पर आके लोगों को तो शूटिंग करना चाहिए। इनकी फिल्म है डाई टुमारो और मैंने इनके कुछ क्लिप्स देखे हुए हैं, ऐसा नहीं कि मैंने देखा नहीं है, कुछ आज सीन भी देखे मैंने, तो मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा, इसलिए नहीं कि मेरी वाइफ है और इन्होंने फिल्म डायरेक्ट की है और ये मेरा भाई है और इसने काम किया है तो मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन जेन्युइनली बहुत अच्छा एक्ट बहुत अच्छा करते हैं। तो बोलते हैं ना बॉम्बे में दिखने वाले तो बड़े अच्छे आते हैं, लेकिन जब तक काम नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, काम करना ज़रूरी है, तो काम बहुत अच्छा करते हैं, तो इसीलिए मेरी बहुत गुड विशेज हैं इनको कि बहुत आगे बढ़े। और अच्छी बात है कि रुड़की से निकल कर अभी आएगा तो और नाम जो है रुड़की का ये पॉपुलर करेगा।
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लगातार जाम की समस्या को लेकर एसपी ट्रैफिक लोकेश्वर सिंह ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि इसके लिए हम तीन चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग, ड्रंक एंड ड्राइविंग। इन्हीं की वजह से शहर में ट्रैफिक की समस्या और एक्सीडेंट में प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। शहर की उतनी क्षमता नहीं है जितनी सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती हैं। शहर में लगभग सड़कों पर 10 लाख गाड़ियां रोज दौड़ती हैं। उसके लिए यहाँ प्रशासन की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक नई सोच जो है लाई गई है, जो कुछ ही दिनों में शायद ये प्रैक्टिकली फील्ड पे भी आ जाएगी, जिसमें प्रशासन के द्वारा स्टूडेंट स्पेशल बसेस चलाए जाने का एक प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें जो स्कूल से छूटने के समय में जो बच्चे 8वीं से 12वीं क्लास के बच्चे हैं, जो मोस्टली ऑटो से, रिक्शा से या दो पहिया वाहन से आते हैं, उनके लिए स्टूडेंट स्पेशल बसेस चलाने का एक प्रस्ताव किया गया, जिसका कि हम एक सर्वे फिलहाल अभी तक कर रहे हैं, जिसमें एक दो महीने में संभवतः ये शुरुआत हो जाएगी, जिससे कंजेशन जो है स्कूल के समय, स्कूल छूटने के समय में काफ़ी कम होने की गुंजाइश रहेगी। देख रही है क्राइम स्टोरी।